तो ये अपना नर्मदा नदी के किनारे पे आए हम लोग। वी आर एट ओंकारेश्वर राइट नाउ एंड बहुत ही अमेजिंग क्लाइमेट है यार, बहुत ही अमेजिंग सीरीज। और ये है ओंकारेश्वर मंदिर एंड ये हमारी सवारी आती है। सो हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। ये अपनी आपको बीजू भाई को डबल बकल वाला जैकेट है, हमारा सिंगल बकल वाला है। सेफ्टी फर्स्ट, यस सेफ्टी फर्स्ट भाई। एंड बीजू भाई अभी जहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल पीछे ओंकारेश्वर मंदिर है। इतने साल हम लोग बाइक चला रहे थे ब्रिज के ऊपर से, नर्मदा नदी बोलते रहते थे। आज हम नर्मदा नदी में बोटिंग करने वाले हैं एंड सुपर एक्सपीरियंस होने वाला है यार। चलो गाइस जी, वाओ जल भारी है क्या? नर्मदा डैम तो बेसिकली इंफॉर्मेशन बता रहे थे, तीन नदियों के बाद एक नदी बनती है नर्मदा नदी, तो थोड़ा सा पानी पीने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया तो हम लोगों ने पिया। उस हिसाब से बहुत मस्त है यहाँ पर। अपने वो मंदिर पहुँचा देंगे ना वो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओंकारेश्वर मंदिर यहाँ पे हम जाएंगे फिर सेकेंड ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर के किनारे, यहाँ पे हम जाएंगे ओंकारेश्वर मंदिर की तरफ। हमारी सवारी यहाँ पे खत्म हो रही है एंड चलो अभी हम लोग खड़े लाइन में। यहाँ पे आज VIP पास अवेलेबल नहीं है 1 जनवरी तक, सो अभी थोड़े 2-3 घंटे जाएंगे लाइन में। बट भाई महाकाल के लिए कुछ भी क्या? यस यस। और एजेड लोगों के लिए अलग लाइन है, सो यू कैन सी दिस। यहाँ पे देखो उनको उठा के लेके जा रहे हैं, तो ऐसे भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। हार्ट पेशेंट या कुछ भी मेडिकल कंडीशन है उनके लिए अलग से। अभी यहाँ से ना मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया और मोबाइल में थोड़ा कम ही दिखा रहा था, क्योंकि ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मोबाइल निकालना थोड़ा रिस्की था। तो हम लोग थोड़ा
थोड़े थोड़े आजू बाजू वाले जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, जैसे कि आजू बाजू में एक छोटा सा गुरुद्वारा था, देन बहुत सारे दुकानें थी एंड भीड़ तो भाई साहब आपको क्या ही बोलूँ। वी आई पी पास बंद होने की वजह से ना एक्सट्रीम भीड़ थी यहाँ पे, और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वी आर द्वारा 3D दर्शन भी दिया जाता है ओंकारेश्वर की ज्योतिर्लिंग का, जो कि यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है, चश्मा लगा के देखिए बैठे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट वाला चीज़ था। तो हम लोग यहाँ पे क्लोज पहुँचे तो एक क्लियर दिखा इस शॉप का व्यू। हम लोग अभी मिड पार्ट पे पहुंचे लाइन के, क्योंकि स्टेयर केस है। तो जैसे ही आप ज्योतिर्लिंग के पास पास पहुंचते हो, वैसे ही आपको नंदी के दर्शन होते हैं, देन लाइन थोड़ी थोड़ी छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, एंड एंट्रेंस के पहले बहुत बड़े बड़े घंटा रखे जो आपको बजाने हैं शंभो जी को खुश करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे दर्शन हुए ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के, एंड वी वर रियली हैप्पी। बस थोड़ा सा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए दर्शन के लिए, बट वर्थ वेटिंग, क्योंकि महाकाल के लिए इतना तो होना ही चाहिए यार एटलीस्ट।